make the ground shake. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर किया है बॉलीवुड के टॉप 10 एडवेंचर फैंटेसी मूवीज, जिसे आपने मिस कर दिया होगा। और ऐसे ही एडवेंचर फिल्में दिलचस्पी रखते हैं जो आपको एक अनोखा सफर में ले जाएगी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन सारे मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट के नंबर 10 पर आता है सीजन ऑफ द विच, जो साल 2011 की फैंटेसी एडवेंचर मूवी थी। इस फिल्म को IMDb ने 5.4 की रेटिंग दी है। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो इसमें दो बहादुर सिपाही एक जंग में निहत्ते लोगों को कत्ल कर देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा होने के बाद वो फौज को छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो दोनों बागी बन जाते हैं। वो दोनों सफर के दौरान एक ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ एक खतरनाक महामारी फैली हुई है, जिसका जिम्मेदार एक औरत को मानते हैं। इस महामारी से बचने का तरीका सैमुएल की किताब में है। क्या वो दो सिपाही सैमुएल की किताब लाते हैं और महामारी से लोगों की बचाते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, इस फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 9 पर आती है द मोर्टल इंस्ट्रूमेंट सिटी ऑफ बोन्स, जो साल 2013 की फैंटेसी एडवेंचर मूवी थी। इस फिल्म को IMDb ने 5.9 की रेटिंग दी है। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो इस फिल्म के अंदर हमको देखने को मिलता है लेरी की माँ गायब हो गई है। लेरी को पता चलता है कि उसकी माँ एक शैडो हंटर थी और इसी के चलते वो भी एक शैडो हंटर है। शैडो हंटर वो होता है जो डीमोन को मार के दुनिया को बचाता है। इंसानों को ना दिखाई देने वाली एक ऐसी दुनिया जहाँ लेरी अपने साथियों के साथ जाता है और डीमोन को मारता है। आप भी जानना चाहते हैं शैडो हंटर क्या है, तो आपको ये फिल्म देखनी होगी। और इस फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 8 पर आती है द केव, जो साल 2005 की हॉरर थ्रिलर एडवेंचर मूवी थी। इस फिल्म को IMDb ने 5.1 की रेटिंग दी है। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो इसमें कुछ लोग पानी के अंदर की एक गुफा में खजाने के चक्कर में जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते हैं, जहां उनका सामना होता है बड़े बड़े क्रिएचर मॉन्स्टर से। तो क्या वो लोग खजाने को लूट कर बाहर आ पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। और इस फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 7 पर आता है जिम बटन एंड लुक द इंजन ड्राइवर, जो साल 2018 की एडवेंचर फैंटेसी मूवी थी। इस फिल्म को IMDb ने 6.2 की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर हम देखते हैं जिम एक अनाथ लड़का है, वो कहां से आई है और कौन है जानने के लिए एक इंजन ड्राइवर के साथ रोमांचक सफर में जाता है, जहां उन्हें बहुत सी ऐसी दुनिया पार करनी होगी जो मुश्किल से भरा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद आप अलग ही दुनिया में फील करोगे। दोस्तों, इस कमाल की एडवेंचर मूवी को आप हिंदी भाषा में देख सकते हो और इस मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 6 पर आती है मेलिफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल, जो साल 2019 की फैंटेसी एडवेंचर मूवी थी। इस फिल्म को IMDb ने 6.6 की रेटिंग दी है। बात करें फिल्म की स्टोरी के, तो इसमें वो जादुई दुनिया देखने को मिलेगी जो आप मेलिफिसेंट में दिखे थे। मेलिफिसेंट जिस लड़की को शराब दिया था वो अब बड़ी हो चुकी है और वो राजकुमार फिलिप से प्यार करता है। मेलिफिसेंट अपने साथ जो हुआ वो अपनी बेटी के साथ नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो प्यार के खिलाफ होता है। बाकी फिल्म की कहानी आगे क्या मुड़ लेती है, तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगी। लेकिन फिल्म में जो ग्राफिक्स और स्टोरी देखने को मिलता है वो कमाल की होती है। ये फिल्म हिंदी भाषा में अवेलेबल है और इस फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 5 पर आती है द लास्ट विच हंटर, जो साल 2015 की एक्शन फैंटेसी मूवी थी। इस फिल्म को IMDb ने 6.0 की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर हम देखते हैं विन डीजल एक विच हंटर के किरदार में नजर आते हैं। विच की रानी और विन डीजल की लड़ाई के दौरान रानी की मौत हो जाती है और उससे पहले विन डीजल को श्राप देती है कि वो अमर हो जाएगा, लेकिन 800 साल बाद विच की रानी अपनी बदला लेने के लिए फिर से वापस आ जाती है, जहां विन डीजल और विच रानी के बीच फिर से लड़ाई होती है। पर विच की रानी को मौत होती है कि नहीं और कैसे विच की रानी वापस आ जाती है, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। और मूवी हिंदी भाषा में अवेलेबल है और इस फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 4 पर आता है नोवा, जो साल 2014 की फैंटेसी एडवेंचर मूवी थी। इस फिल्म को IMDb ने 5.8 की रेटिंग दी है। बात करें हम फिल्म की स्टोरी की, तो नोवा सपने में दुनिया की तबाही देखता है और वो समझ जाता है कि दुनिया तबाही की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते नोवा अपनी फैमिली के साथ मिलकर बहुत बड़ा कश्ती बनाता है, जिसमें सारे जानवर और पक्षियों को बुलाता है ताकि दुनिया में जब गढ़ तबाही मचाए तो फिर से जानवर और पक्षी और सारी दुनिया शुरू हो सके। तो दोस्तों, आप इस एडवेंचर से सजी फिल्म को देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 3 पर आता है हंसल एंड ग्रेटेल विच हंटर्स, जो साल 2013 की एक्शन एडवेंचर मूवी थी। इस फिल्म को IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है। बात करें हम फिल्म की स्टोरी की, तो इस फिल्म के अंदर हम देखते हैं हंसल एंड ग्रेटेल असल में दोनों भाई बहन होते हैं। हंसल एंड ग्रेटेल बचपन में एक ऐसी डायन के बीच फंस जाते हैं, लेकिन उस डायन को मार कर हंसल एंड ग्रेटेल भाग निकलने में सफल हो जाते हैं और तब से ही हंसल एंड ग्रेटेल चुड़ैलों के शिकार में लग जाते हैं। तो दोस्तों, फिल्म काफी बेहतरीन और कमाल की है, तो इस फिल्म को आप मिस मत करना। इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 2 पर आता है मोजिन द लॉस्ट लीजेंड, जो साल 2015 में एक चाइनीज एक्शन एडवेंचर मूवी थी। इस फिल्म को IMDb ने 6.0 की रेटिंग दी है। बात करें हम फिल्म की स्टोरी की, तो इस फिल्म के अंदर हम देखते हैं कुछ टॉम राइडर अंधेरी गुफा में जाकर खजाने की चोरी करते हैं, लेकिन इस बार खजाने की खोज में एक ऐसी गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या वो लोग खजाने को ला पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी
देखनी होगी और ये फिल्म आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगी। फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। नंबर एक पर आता है जर्नी टू द वेस्ट, जो साल 2013 में एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी थी। इस फिल्म को IMDb ने 6.8 की रेटिंग दी है। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो इस मूवी के अंदर आपको अलग अलग तरह के डीमन देखने को मिलेगा जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और उन डीमन से गाँव वालों को बचाने के लिए एक लड़का कोशिश करता है। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। ये मूवी हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इन सारी मूवीजों में से आपको कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आई नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह मूवी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।